2 किलो के आसपास की गांठ थी। इनका आजकल इतनी टेक्निक चल रही है, आप टेंशन मत लो, दूरबीन वाला आराम से हो जाएगा। क्या बीमारी पालकी बैठी थी अंदर है? दो थैलियां पूरी भर दी, 2 किलो के आसपास की गांठ थी और पूरी गल चुकी थी, वो सड़ गई थी, मतलब वो फैल जाती। देखा ना आपने, वो बिल्कुल कैसी हो गई, बिखर गई थी। अब ऐसी बिखरी हुई गांठ को अगर थैली में डाल के ना निकाले तो वो तो पेट में ही फैल जाती है, निकालना ही भारी पड़ जाता है। इसलिए उसको पहले बैग में डालते हैं, फिर बैग में से फिर उसको काट के निकालते हैं। हर किसी के उसकी बात, इसके क्या वो रेंज जैसा था दूरबीन वाला, बोली अहमदाबाद में करते हैं, मैंने कहा यहीं पे करते हैं, अहमदाबाद के अहमदाबाद वाले भी यहाँ पे अहमदाबाद में हाथों लग रहा, वो इतनी बड़ी गांठ है। मैंने कहा आजकल इतनी टेक्निक चल रही है, आप टेंशन मत लो, दूरबीन वाला आराम से हो जाएगा, इतनी बड़ी गांठ कैसे निकलेगी? अरे मैंने कहा हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। मैंने ये तो विश्वास की बात है ना, ये कम से कम अपने राजस्थान के डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं किया। ये तो इनको क्रेडिट इनको जाता है, राजस्थान के डॉक्टर्स। अगर आप आपका फोटो सब मोबाइल में भेज दिया था, मैंने हॉस्पिटल है यहाँ, तो क्वालिटी है ना वो बहुत बढ़िया है। क्वालिटी आज के समय मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। अब रात दिन उसी कोशिश में लगे रहते हैं, हमारे स्टाफ है जो लगी रहती है साथ में दिन भर। मेरे यही रोने लगे थे, मैंने कहा घबराओ मत, आज के टाइम में डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। नहीं, ये क्या पहले के दोस्तों में गई नहीं हो, लग रहा है कि आपको हॉस्पिटल में लगा कहीं से कोई बदबू आ रही है, कुछ ऐसे भीड़ हो रखी है, कहीं नहीं कुछ नहीं। हमारे को तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट एक ही मिलता है, सबसे ज्यादा आज तक का जो कॉम्प्लीमेंट है कि मैडम हमें लगा नहीं कि हम हॉस्पिटल में, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर जैसा ही है, धूप आ रही है बढ़िया। नहीं, यहाँ का माहौल है ना एकदम ऐसे घर का जैसा है। अब वो कोई दिक्कत परेशानी आपको कुछ भी नहीं है ना, आराम से सीढ़ियाँ चढ़ सकती है, रोज चढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब रोज तो नहीं चढ़ेंगे, लेकिन रोज चढ़ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, नीचे बैठ सकते हो और पूरा पेट भर के ही खाना खाना, आराम से खाना खाना है। और दलिया खिचड़ी नहीं खाना है, मतलब कम खाना, अगर खाना भी है तो दलिया में जैसे वेजिटेबल खिचड़ी, वेजिटेबल उपमा, वेजिटेबल दलिया, इस तरीके से प्लेन दलिया खिचड़ी नहीं खाना। दही रोज देना है, पानी 2-3 लीटर पानी देना है, हरी सब्जियां सारी देनी है और फल फ्रूट जो भी सीजन के आ रहे हैं सारे ताजा वाले देने, स्टोरेज वाला कोई नहीं देना है। जो सबसे सस्ता छाट के लाना इनके लिए, बोलना सबसे सस्ता वाला लाओ, महंगे नहीं खिलाएंगे आप। ठीक है, इसके अलावा खट्टे फल भी देने हैं, जैसे कि नींबू दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं, आंवला दे सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, इससे क्या हीलिंग अच्छी होती है, विटामिन सी होता है उसके अंदर। ठीक है, और नॉर्मल मसाला भी लेना, बिल्कुल उबला हुआ सब्जी दलिया नहीं खाना है, क्योंकि उससे डाइजेशन खराब होता है। तो जो नॉर्मल खाना पहले खा रहे थे जितना मसाले का उतना खा सकते हैं। सर्जरी के बाद तो वैसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्योंकि हीलिंग हो रही है बॉडी में, तो ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। अब आप उसमें सब्जियां बंद कर देते हो, सब्जियों में सारा मिनरल और विटामिन होता है, और केवल जूस और फ्रूट पे शिफ्ट कर देते हैं, तो बस। तो एक मरीज को तो हमने एडमिट किया था, पपीता खा के उल्टियां होने लग गई उसको, इतनी पपीता खा ली कि बस वो उल्टियों पे 3 दिन उसको एनबीएम रखना पड़ा, फिर खाली पेट। वो सब साफ हुआ उसके बाद में उसको धीरे धीरे वापस नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट किया। तो हर चीज की अति बुरी हो जाती है, इसलिए नॉर्मल 1-2 फल रोज खाना, 1-8 जूस पी लिया, सूप ले लिया, दाल का पानी ले लिया, बाकी नॉर्मल रूटीन खाना। दूध भी ले सकते हैं 1-2 दिन में, जब पोटी वोटी हो जाए, गैस ठीक से पास होने लग जाए उसके बाद। ठीक है, 7-10 दिन के बाद वापस आके दिखाना एक बार। ठीक है, और ये पट्टी कब हटानी है? पट्टियां आपको नहीं हटानी, हम ही हटाएंगे। अच्छा, 10 दिन बाद ही हटानी है ना? हाँ, 7-10 दिन के बीच में कभी भी आ जाओ, जब हम ही हटा देंगे, हम ही वो टांके वाके चेक करके और फिर आपका वापस ड्रेसिंग कर देंगे, और जो आगे का फॉलोअप है वो समझा देंगे। बिल्कुल ही वाटर प्रूफ है ड्रेसिंग, आप पूरा बॉडी शावर ले सकते हैं, उनको गीला होगा कोई दिक्कत नहीं, अपने आप सूख जाएगा, अंदर पानी नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैडम। ठीक है, मेरा नाम मदन सिंह है और ये मेरे वाइफ है जिनका नाम है राजकुमार, जिनके यूट्रस के अंदर गांठ थी काफी बड़ी। तो जयपुर के अंदर काफी डॉक्टर्स को दिखाया, उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के अंदर सुशीला सैनी मैडम है जो कि काफी अच्छे से ऑपरेशन करती है। हम यहाँ पे पूरी रिपोर्टें लेके आए, इनसे मिले और मैडम ने जैसा समझाया कि ऑपरेशन है वो आपका दूरबीन के जरिए हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, रिकवरी बहुत जल्दी होगी। तो 23 तारीख को हम यहाँ एडमिट हुए, उसके बाद अगले दिन 24 तारीख को ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन के बाद में मैडम है वो बिल्कुल सही है, चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
और जो ऑपरेशन किया गया वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ किया गया। तो मैं बाकी जो भी इस तरह के मरीज हैं उनसे अपील करता हूं कि आप भी ऐसी कोई समस्या है तो एक बार आए मैडम से और जरूर मिले, आपकी हर समस्या उसका समाधान किया जाएगा। यहाँ का स्टाफ है वो भी काफी अच्छा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और अभी हम है वो बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद।